ये तमाम पंचायतों के आधार पर एक कार्य योजना तैयार हो जाए और जब आप यही सौंप दी जाए ताकि आगे की कार्रवाई सुचारू ढंग से संपन्न किया जा सके। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा सुझाव दिया आपने। अब मुकेश सहनी थे, मुकेश सहनी बीच में धार ले जाकर के मोदी का नाम डुबा दिए हैं। अब मोदी कहीं से नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मैं कुछ गांव का भ्रमण किया हूँ, सहनी समाज में गया हूँ, हम लोगों से दोस्त चढ़ करके आगे ही बात कर रहा है। हम लोग का नेता मुकेश सहनी है, मैं मुकेश सहनी को नेता मानता हूँ और कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ। तुरंत बना ली जाए और सभी दल सभी तरह के लोगों को समावेशी करके तीन चार दिन का टास्क फोर्स उसमें बन जाए, वो लिस्ट आ जाए, उसका वेरिफिकेशन हो जाए, उसमें कौन सक्रिय काम कहाँ कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि जो हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता इस तरह से वोट देने के लिए हम लोग के लिए पूरा उतावला है, लेकिन हम लोग उससे मिलने के लिए जो हमारे बच्चे हुए साथी है पूरा नहीं बने हुए जो इनका कर्तव्य बनता है गाँव में गलियों में समझाने के लिए वो समझा नहीं पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आज 5 किलो अनाज वाला जो मैटर है वो थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, उस इफेक्ट को समझाने का जरूरी है कि जिस तरह से सरकार कैसे 5 किलो दे रही है आपको कहाँ से मिल रहा है, आप ही के पॉकेट से निकाला जा रहा है। एक सिलेंडर जो मात्र महिला को मिलता है 1300-1200 रुपया में, आज राजस्थान में मध्य प्रदेश में पंजाब में 500 रुपये मिला, तो 500-1200 में कितना का अंतर है, 700 का। 700 में 150-200 का आपको दो आज चाहो उसी पैसे से, अब 500 आपका हलक से निकाल ले रहा है, ये समझाने की जरूरी है लोगों को आप ही का पैसा से। एक एग्जाम्पल, क्योंकि जो सच्चाई है जहाँ मत करना है जिस बात से वो आगे हमको चाहता है बात करना है वह उसकी कमजोरी है, उसको हम जनता के बीच इस बात को गहराई से नहीं रखते हैं। हर व्यक्ति को खास तौर से युवाओं को नहीं समझाना है, बुजुर्गों को नहीं समझाना है, केवल महिलाओं को और महिलाओं के बीच अपने महिलाओं को अपनी बेटी बहन को भेज करके अपने से नहीं होता है तो उस काम को करना जरूरी है, एकदम जरूरी है। इसलिए कि हमको वैशाली में जीतना ही लक्ष्य नहीं है, वैशाली की लोकतंत्र को देश में सबसे अधिक वोट से जीतने का लक्ष्य है। इसलिए तमाम लोग हैं उसी तरह से हम लोग भी यदि इस पार्टी से इस मोहब्बत करते हैं तो अपने बीवी को भी भेजना जरूरी समझते हैं, अपने बहन को भी भेजना समझते हैं, अपने टोला मोहल्ले में तो समझा सकती है, लेकिन सभी लोग अपने अपने टोला मोहल्ले में अपने परिवार के महिलाओं को समझा करके इन सारी बातों को काम किया जाए तो कहीं भी उसका कोई पता आता नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह से रणनीति बनाना है, कहाँ किसको कमजोर करना है, कहाँ कैसे हमको ले जाना है, इस चीज पर काम करना पड़ेगा। महिलाओं को आगे भेजिए, आप मत जाइए, उनको समझाइए, एक महिला आपके परिवार के 500 महिला के समझाएगी तो 500 आगे वो कड़वा बढ़ जाएगा, ये जरूरी है। दूसरी चीज है केवल और केवल जो वैशाली का चुनाव टिका हुआ है वो केवल रुपया के बल पर चुनाव करने की ताकत का खोज कर रहा है, लोगों को खोला जा रहा है, लोगों को मेरे काम किया जा रहा है कि पैसा लो और लोगों को मोटिवेट करो, ठीक है। लेकिन हमारे गांव का हम देखे हैं, एक मीटिंग हुआ था इधर कहीं नरिया के तरफ, पैसा उसे लोग लेके गया था, वोटर क्या कर रही थी महिला कि जो पैसा देती है वो वोट देता ही, हम तो वोट देने नहीं मिलता, इस तरह की बात हो रहा है लोगों में। लोग कह रहा है इस बात का भी चर्चा हम लोगों को समाज में करना चाहिए कि किस तरह से लोग हम लोग खरीद रहा है। सबसे पहले इस जिले में रुपया से आदमी को खरीदने का काम कौन आदमी किया, कैसे खरीदा और कैसे बेचा, हम लोग को बेचने का काम, हम लोग खरीदने का काम, बाहर कमर ऐसी बात होती है। जान लीजिए बेटी और वोट बेटने की चीज नहीं है, इसलिए सभी लोगों को सावधानी कर दीजिए कि लोगों को समझाइए कि बेटी और वोट बहुत ही कीमती चीज है, इससे आपका प्रतिष्ठा जुड़ा है, आप
आपका मन समय जो है इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़िए और बहुत समय कम है इसलिए मैं अपने वाणी की विराम देता हूँ। जय भारत, जय इंडिया, जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन कैसरी जी।